गदर टू के बारे में बस यही कहूँगा कि गदर वन जब बनी थी हमें नहीं पता था कि वो गदर मचा गई थी। जनता को इतनी प्यारी लगी कि उन्होंने सबके मुंह बंद कर दिए और वो सबकी बहुत ही दिल चाहे फिल्म बन गई और इसलिए इसका पार्ट टू बनाना बहुत मुश्किल था। रघु शर्मा जी ने कितनी बार कितनी कहानियाँ सुनाई लेकिन कभी कोई किसी कहानी की कोई बात नहीं बनी। बदल रही है, नई नई चीज़ें आएंगी, हमें उसे अडाप्ट करना और आगे चलना। मैं पहले भी उतना ही अडाप्ट करता था, आज भी उतना ही अडाप्ट कर रहा हूँ। तो मैं कुछ और ये I'd say no better platform than with my favorite superstar co-star Sunny and my favorite character Sakina with Tara. There couldn't have been a better viewing for the audience, I think. बहुत अच्छा लग रहा है जैसे रिस्पॉन्स मिला। क्या होता कि आज के ज़माने में पहले उस तरह नहीं था, आज के ज़माने में क्या है एक बॉक्स ऑफिस का एक रूप बदल चुका है, तो उसमें इस तरह से रिस्पॉन्स आ रहा है तो अच्छा लगा। उम्मीद रखते हैं कि जब लगेगी पिक्चर वो रिस्पॉन्स बढ़ चुका होगा और जैसे गदर वन का था उतना ही प्यार, उतना ही लव अफेक्शन सब कुछ गदर टू के लिए भी मिले। बहुत बहुत मेहरबानी। क्या बोल रहे हैं सबका बहुत 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 खुश है, बोल रहे हैं कि जल्दी क्यों नहीं आई और कब लग रही है, इतना लेट क्यों कर रहे हैं, जल्दी रिलीज़ करिए। और जब भी कोई भी फिल्म की मैं बात करता हूँ तो सिर्फ गदर टू की बात करते हैं, तो डेफिनेटली इसका इसके लिए लोग ईगरली अवेट कर रहे हैं और अच्छा लगता है। बस डर ये है कि डर इस चीज़ का लगता है कि हमेशा क्योंकि उम्मीदें बढ़ जाती हैं और वी हैव टू मैच अप टू दैट। जप नाम थैंक यू। ये आप सब लोगों का प्यार है, मेरे फैंस जो हमेशा मेरे साथ रहे इतने साल, 27-28 साल हो गए इस इंडस्ट्री में, और मेरी मेहनत। कहते हैं ना भगवान देख रहा ऊपर से, जब आप मेहनत करोगे तो हमेशा आपको सफलता मिलेगी और आई थिंक हार्ड वर्क टर्न्स इनटू लक एंड सक्सेस। थैंक यू सो मच। बताऊंगा 11 तारीख के बाद में। जुग जियो, ये जैसे कि आप लोगों ने देखा था कि
बड़ी इंटरटेनिंग फिल्म थी और लोगों को बहुत पसंद आई। और जब आप एक फिल्म में एक किरदार पर मेहनत करते और उसका आपको अवार्ड मिलता है तो बड़ी खुशी होती है। सो आई एम वेरी हैप्पी एंड वुड लाइक टू थैंक ऑल ऑफ यू ऑल वॉचिंग दिस इंटरव्यू। जितने भी ये दर्शक हैं जो इस इंटरव्यू को देख रहे हैं, मैं सबका शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि आपकी वजह से मुझे ये अवार्ड मिला। नाइट मैनेजर को बहुत बहुत शुक्रिया। नाइट मैनेजर यू नो इट्स कम्प्लीटली यू नो मैंने कभी इमेजिन नहीं किया था कि इतना ज़बरदस्त उसको रिएक्शन मिलेगा और इतनी तारीफ होगी और सबके काम की बहुत तारीफ है और मुझे बड़ी खुशी है। और इसका जो सेकंड पार्ट है वो जून 2nd को रिलीज होगा। जून 2nd अरे वो तो सबसे पहले मुबारकबाद पूछना चाह रहा, सबसे बड़ा अवार्ड तो वो था, सबसे पहले वो अवार्ड मिला मुझे कि मैं नाना बन गया। यू अंडरस्टैंड, दैट्स अ वेरी गुड अवार्ड। सो आई एम ग्रेटफुल टू गॉड एंड टू माय फैमिली एंड एवरीबॉडी एंड आई एम वेरी वेरी हैप्पी। बहुत बहुत खुश हूँ मैं। बस नाइट मैनेजर। जी हाँ, मैं बहुत एक्साइटेड हूँ क्योंकि मैं परफॉर्मेंस इस साल की पहली परफॉर्मेंस जी सिंह अवार्ड्स में करने वाली हूँ और मेरे सारे एनर्जेटिक वाले सॉन्ग्स के जरिए आज स्टेज पर नाचने वाली हूँ। सो आई फील एक्साइटेड, आई एम हैप्पी। आई थिंक इस साल के सारे गाने काफ़ी पॉपुलर हुए हैं मेरी तीनों फिल्मों की, दोनों ही फिल्मों के सारे गाने पे आज मैं परफॉर्मेंस करूँगी एंड आई होप कि ऑडियंस को बहुत अच्छी लगी ये परफॉर्मेंस। बीन ओनली वन वीक, कुछ चेंज नहीं हुआ है। इट्स अ ब्यूटिफुल फीलिंग। थैंक यू फॉर ऑल द लव, मैं यही कहना चाहूँगी एंड आई लव यू टू। किसने बोला हमने छुट्टी नहीं लिया, लेके आ भी गए वापस।